बड़ी खबर आपको बताएंगे। डॉक्टरों पर तशद्दुद का मामला, पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। गिरफ्तार डॉक्टर्स को 50,000 के मचलके जमा कराने पर जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया गया है। मजीद बात करते हैं, कामरान अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान अली, फैसला सुना दिया गया है, मजीद क्या बताया गया इस फैसले में? देखिए जी, डॉक्टरों पर तशद्दुद और लाठीचार्ज के हवाले से सुबह पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की समाप्त हुई थी और इसी फैसले को सुबह चीफ जस्टिस ने महफूज किया था। अब ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने सुना लिया और मुख्तसर फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने सुना है। और अदालत की जानिब से डीजी FIA को 15 दिन में इंक्वायरी करके रिपोर्ट एडिशनल रजिस्ट्रार के पास जमा कराने की हिदायत कर दी गई है, जबकि जो गिरफ्तार डॉक्टर थे उनको 50,000 के मचल के जमा कराने पर जमानत का रिहाई का हुक्म भी दिया गया है। इस तरह चीफ जस्टिस ने जो है रिमार्क दी कि तोड़ फोड़ का रिकॉर्ड तो पेश नहीं किया गया, लेकिन डॉक्टरों पर तशद्दुद करके और तालीम याफ्ता लोगों पर तशद्दुद करके सूबाई हुकूमत ने बड़ा जुल्म किया। इसी तरह पेशावर हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को ड्यूटी पर हाजिर होने से मुतल्लिक भी अहकाम जारी किए और बेल बांड पर डॉक्टरों से हाजिर होने से मुतल्लिक लिखने का भी हुक्म कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया, इसकी तफसीलात आपने हमारे साथ शेयर की।